किया हुआ। जब रात 1 बजे एक चोर चुपचाप केदारनाथ मंदिर के अंदर घुस गया और फिर बाबा केदारनाथ ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है रमेश नाम के एक चोर से, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली शहर में रहता था। उसके लिए रोजाना लोगों के घर में चोरी करना व चलती बसों में जेब काट लेना एक आम बात थी। चोरी उसका पेशा था और वो इसी से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वो ये छोटी छोटी चोरियां करके बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। उसे तलाश थी एक ऐसे मौके की जिसके बाद से वो पूरी तरह से मालामाल हो जाए और उसके बाद ज़िंदगी में उसे कोई काम नहीं करना पड़े। तभी उसे केदारनाथ के बारे में पता चला। उसने देखा कि आजकल लाखों श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के धाम जा रहे हैं, लेकिन रमेश का उद्देश्य केदारनाथ जाकर भगवान के दर्शन करना नहीं, वहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं की जेब काटना था। जिसके बाद मौका पाकर वो तुरंत ही केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। दिल्ली से वो देहरादून पहुँचा और देहरादून से वो गंगोत्री और यमुनोत्री तक पहुँच गया। जब उसने केदारनाथ की चढ़ाई करना शुरू किया तो वहाँ पर भयंकर भीड़ थी। तभी उसने मौका पाकर कई लोगों की जेब काट दी। रमेश को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वो साक्षात बाबा केदारनाथ के धाम में हैं और उसकी भयंकर सजा उसे मिल सकती है। लेकिन उसका उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ चोरी था, क्योंकि लालच अच्छे अच्छों को अंधा बना देता है। वो लगातार ऊपर चढ़ाई करता जा रहा था, वो कई लोगों का सहारा भी बना, लेकिन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चोरी था। 14 किलोमीटर के इस पैदल यात्रा के सफ़र में उसने कई लोगों की जेब पर अपना हाथ साफ किया और जब वो मंदिर के पास पहुंचा, तब तक उसके पास चोरी का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो चुका था। उसे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई तो वो मंदिर परिसर में ही सो गया। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था क्योंकि उसकी दोनों जेबें पैसों से भरी हुई थी। लेकिन रात्रि 1 बजे बाबा केदारनाथ ने अपना वो चमत्कार दिखाया कि चोर रमेश को भी अपना परम भक्त बना दिया। रात्रि के समय अचानक मंदिर परिसर में बहुत तेज हवाएं चलने लगी और मौसम अचानक से बिगड़ चुका था। तभी रमेश की नींद खुली और वो मंदिर के पास चला गया ताकि वो तेज हवाओं से बच सके। तभी उसने एक चमत्कार देखा कि केदारनाथ मंदिर के कपाट तो अपने आप ही खुल गए, मानो महादेव स्वयं रमेश को अपने दर्शन करने के लिए बुला रहे हो और रमेश भी भगवान की आज्ञा मानकर मंदिर के अंदर चला गया। केदारनाथ शिवलिंग की भव्यता देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। पास ही में उसने भगवान का दान पात्र देखा और सोचा कि क्यों ना मैं इसके अंदर से पैसों को चुरा लूं। रमेश ताला खोलने में भी बहुत माहिर था। उसने जैसे तैसे करके तुरंत ही दान पेटी का ताला खोल दिया और दान पेटी के अंदर पैसा निकालने के लिए हाथ डाला तो अचानक से एक सर्प ने उसके हाथ पर डस लिया। उसने अंदर जाकर देखा तो उस दान पेटी में बहुत सारा पैसा था, लेकिन उसी के साथ एक नाग देवता उन पैसों की रखवाली कर रहे थे। अब रमेश बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसे अंदेशा हो चुका था कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे तैसे वो लड़खड़ाता हुआ मंदिर के बाहर आया, लेकिन वहाँ पर तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उस समय वो काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद था और बचने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। तभी सामने की ओर से उसे काफ़ी दिव्य साधु महाराज आते हुए दिखाई दिए। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो उन साधु महाराज के कदमों में गिर गया और रोते हुए बिलखते हुए उनसे प्रार्थना करने लगा कि मेरी हाथ पर सर्प ने काट लिया है, कृपया करके आप मुझे ठीक कर दीजिए। उन साधु महाराज ने रमेश से कहा कि मैं तुम्हें पुनः स्वस्थ तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे 2 वादे करने होंगे। पहला तो ये
कि तुम सारे चुराए हुए पैसों को किसी सही काम में लगाओगे, और दूसरा ये कि तुम आज के बाद से चोरी करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दोगे। रमेश को बहुत बड़ा झटका लगा कि आखिर इन साधु महाराज को कैसे पता चला कि मैं एक चोर हूँ। लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए उसने ये दोनों ही शर्त कबूल कर ली, जिसके बाद उन साधु महाराज ने एक विशेष जड़ी बूटी के माध्यम से रमेश के जहर को पल भर में ही छू मंतर कर दिया और वो पुनः पहले के ही समान एकदम स्वस्थ हो गया। वो उन साधु महाराज का धन्यवाद कर पाता, इतने में तो वो कहीं अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन अब रमेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो समझ चुका था कि वो लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने भगवान के दरबार में ही चोरी करनी चाही और उसी की वो सजा उसे मिली। लेकिन भगवान ने उसे एक और मौका दिया है। जब अगली सुबह हुई तो उसने उन चोरी किए हुए पैसों का इस्तेमाल सही कार्यों में किया। उसने कुछ बुजुर्ग लोगों को जो कि चलने में असमर्थ थे, उन्हें खच्चर व हेलीकॉप्टर की मदद से बाबा केदारनाथ के दर्शन कराए और अपने चोरी किए हुए सारे रुपयों का इस तरह से सही इस्तेमाल किया। रमेश महादेव का चमत्कार अपनी आंखों से देख चुका था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो भगवान केदारनाथ का भक्त बन गया और उसने चोरी करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटना से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि महादेव अपने भक्तों में कभी अंतर नहीं करते। वे बड़े से बड़े भक्त का घमंड चूर करना भी जानते हैं और एक चोर को भी अपने दरबार में बुलाकर उसे एक अच्छा इंसान बनाना भी जानते हैं। आप भी अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और बताइएगा, क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं और वहाँ जाने के बाद आपका क्या अनुभव रहा है। ऐसी ही सत्य चमत्कारी घटनाएं हमेशा देखने और जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अभी के लिए दोस्तों आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।